गर्मियों का सीजन दोस्तों अब आ चुका है। अगर आप भी मच्छरों से परेशान हैं और रात को आपका ना ही मॉस्किटो बैट वर्क करता है ना ही आपकी नाइटकिंग जलाने से मच्छर भागते हैं, तो दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्प करने वाला है। आज की वीडियो में अनबॉक्स करेंगे क्लासिक मॉस्किटो नेट जिसको हमें अमेजोन से ऑर्डर किया था। आज की वीडियो में देखेंगे कितना आसान है इसको सेटअप करना और कितनी आसानी से आपको मच्छरों से रात भर बचा के रखती है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। इस तरीके के पैक में मुझे अमेजोन ने भेजा था क्लासिक मॉस्किटो नेट, तो मैं इसको पैक से बाहर निकाल लेता हूँ और आप देख पाए तो इस तरीके की पैकिंग में आता है आपका क्लासिक मॉस्किटो नेट। इसको जो मैंने ऑर्डर किया था ये मैंने डबल बेड के साइज के लिए किया था, तो यहाँ पे अगर आपको मैं पास ला के भी दिखाऊँ और अगर आप पढ़ पाए तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है क्लासिक फोल्डेबल मॉस्किटो नेट, ब्लू कलर में ऑर्डर किया था डबल बेड साइज का। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसके अंदर देखते हैं क्या मिलता है। तो इसको मैं जल्दी से एक साइड से ओपन कर लेता हूँ और इसके साइड में हमें एक तो मॉस्किटो नेट मिलता है। जब इसको हम सेटअप करेंगे रूम में जाके तब देखेंगे किस तरीके की क्वालिटी और कैसे इसको सेटअप किया जाता है। इसके साथ हमें मिल जाते हैं ग्लोइंग स्टार्स, अगर आपको मैं दिखाऊं तो इस तरीके से कुछ ग्लोइंग स्टार्स मिल जाते हैं। जब हम सेटअप करेंगे तब देखेंगे इनका क्या यूज होता है। इसके साथ एक मैनुअल टाइप मिल जाती है, अगर आपको मैं पास लाके दिखाऊं तो इसमें मेंशन करके ये 100% टेरोलिन मटेरियल से बना है। यहाँ पे जो इसके MRP मेंशन की गई है वो 2000 रुपीज है, बट ये अमेजोन में आपको इससे कम प्राइस में मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप वहां से डायरेक्टली परचेस कर पाए। अगर आपको बैक साइड भी दिखाऊं तो यहाँ पे मेंशन करके है किन साइजेस में ये अवेलेबल है। सिंगल बेड किंग साइज एंड क्वीन साइज के बेड साइजेस में अवेलेबल है, तो आप अकॉर्डिंग टू योर बेड साइज आप परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और फीचर्स वगैरह मेंशन किए गए हैं, आप वीडियो को पॉज करके सारे फीचर्स पढ़ सकते हैं। अगर अंदर के साइड से दिखाऊं तो यहाँ पे पता रखा है कि कैसे आप इसको फोल्ड कर सकते हैं, कैसे इसको वॉश कर सकते हैं और ग्लोइंग स्टार्स को कैसे सेटअप करना है और उसका क्या यूज है। यहाँ पे यह भी दिखा रखा है कि कौन से कलर्स में ये अवेलेबल है और किस तरीके के डिजाइन में ये मिलती है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं और अगर देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके ये भी चीज देख सकते हैं। तो चलिए रूम में चलते हैं और इसको सेटअप करते हैं। रूम में हम आ चुके हैं, तो आप देखेंगे ये है डबल बेड जिसमें हम सेटअप करने वाले हैं इस मॉस्किटो नेट को, और इस तरीके से मॉस्किटो नेट बैग में आया हुआ। तो चलिए इसको निकालते हैं और जल्दी से सेट करते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है, ताकि आपको भी आइडिया लग जाए अगर आप इसको प्लान कर रहे थे लेने का तो आपको भी कितना टाइम लगने वाला है। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं बैग से और बैग को रखते हैं साइड और इसको पैकिंग से भी बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे इसमें आपको सर्कल मिले और जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ तो आप देखेंगे इस तरीके से सेटअप हो गई अपने आप ही, तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। आप देखेंगे इस तरीके से आ चुकी है। अब मैं इसको करता हूँ ओपन और जल्दी से इसको करता हूँ सेट। तो आपको इसमें कुछ खास करना नहीं होता है पहले से, क्योंकि ये फिक्स्ड है। तो आप देखेंगे जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो अपने आप ये एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी आपके बेड में। थोड़ा मैंने गलत एंगल पे इसको छोड़ा बट आप देखेंगे बस 2 मिनट भी नहीं लगे इसको सेट करने में। एक बार साइड से जल्दी से इसको सेट कर देते हैं करने में और देखिए हो गया। तो अगर आपके घर में लेडीज वगैरह हैं या जेंट्स हैं और अगर आपको लग रहा है डाउट है कि इसको सेटअप करने में टाइम लगेगा तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। आप देखेंगे कि ये वीडियो बिना कट के मैं अभी बना रहा हूं, तो आप देखेंगे अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा वीडियो को बॉक्स से इसके पैक से बाहर निकाल के सेटअप करने में, और ये अनकट वीडियो है तो आप देख पाएंगे 1 मिनट भी नहीं लगा मुझे इसको एडजस्ट करने में। तो जल्दी से इसको हल्का सा फिट कर लेते हैं और उस साइड से मैं फिट कर लेता हूं। तो कितने कम टाइम के अंदर ये बेड में सेट हो गई है देखिए अभी, तो ये प्रॉपर फिट हो जाती है आपके डबल बेड के में। और अभी जो बेड का साइज है वो एग्जैक्ट 6x6 का डबल बेड है, और उसमें आपको एक चीज देखने वाली होगी कि जो मॉस्किटो नेट है वो 6x6 के साइज से हल्की सी बड़ी है, तो इसका बेनिफिट ये हो जाता है कि आप इसको प्रॉपरली अपने बेड में एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप देख पा रहे हो तो प्रॉपरली एडजस्टेड है। एक चीज जो आपको इसमें अच्छा फीचर ये मिल जाता है कि मॉस्किटो नेट आपके बेड से बार बार उछ लेना, तो यहाँ पे इन्होंने इलास्टिक प्रोवाइड करा है, अगर आप देख पाए इस तरह से इलास्टिक प्रोवाइड करा है जिसको आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हो और फिट कर सकते हैं ताकि ये अपनी सीट जगह से नहीं उड़ेगी। और इस तरीके से इलास्टिक आपको चारों कॉर्नर में दिए गए हैं तो इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आपकी मॉस्किटो नेट उड़े ना। और सेकंड थिंग जो मुझे इसमें अच्छी बात लगी, तो अभी जो मेरी हाइट है वो 5'5" है और आप मॉस्किटो नेट की हाइट देखें बेड में लगाने के बाद वो अराउंड 6 फीट से भी ऊपर चले जाती है। तो इसका बेनिफिट क्या है, अगर आप मॉस्किटो नेट के अंदर बेड के अंदर बैठे भी होंगे तो आपको मॉस्किटो नेट आपके सर पर टच नहीं होगा। आपने जो पुरानी तरीके की जो मॉस्किटो नेट आती थी उसमें देखा होगा कि अगर आप बेड के अंदर जब बैठ जाते हैं तो उसमें मॉस्किटो नेट आपके सर से टच करना शुरू कर जाती है,
बट अगर आप यहाँ पे हाइट देखें तो एनफ हाइट है, आप इसके अंदर आराम से थोड़ा खड़ा भी हो सकते हैं और प्रॉपरली बैठ सकते हैं। तो अगर आप देख लीजिए किस तरीके की सेटअप है इसकी मॉस्किटो नेट का, आपको इसमें डबल साइड चेन्स मिल जाती है। अगर आप देखें तो एक चेन जो है वो बाहर की तरफ है और एक चेन अंदर की तरफ है। तो अगर आपको इसमें एंटर करना है तो पुरानी मॉस्किटोज जो होती थी उनमें प्रॉब्लम क्या होती थी, आपको इनको उठा के अंदर जाना पड़ता था। बट इसका बेनिफिट ये है, अगर आपने इसको एक बार सेटअप कर दिया है तो नॉर्मली आप इस चेन को डाउन कीजिए और इस तरीके से अंदर आप जा सकते हैं। और अंदर से भी लॉक है, जैसे मैंने आपको बताया इसमें आपको डबल चेन मिल जाती है, तो आप इसको अंदर से लॉक कर सकते हैं। तो ये मुझे इसका बेनिफिट लगा। अगर इसकी क्वालिटी वाइज करूँ नेट की, तो क्वालिटी ठीक है, जैसे आपने बाकी मार्केट्स में देखी होंगी नेट की क्वालिटी वैसी ही है, आपको कोई हाई क्लास क्वालिटी मिलने नहीं वाली नेट की, बट हाँ ठीक है। बट अगर आप इसमें कोई ब्लेड वगैरह चला रहे हैं या आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं और वो उसको यूं करके पकड़ के खींचते हैं तो उसके फटने के चांसेस बन जाएंगे। तो इसी को प्रोटेक्शन करने के लिए इन्होंने क्या प्रोवाइड करा है कि बाय चांस अगर आप इसको घर में फट जाता है, कहीं होल वगैरह पड़ जाता है, तो आप इन ग्लोइंग स्टार्स को यूज कर सकते हैं। अगर आप अभी आप देख पा रहे हो इन ग्लोइंग स्टार को यूज कर सकते हैं। ये क्या ग्लोइंग स्टार्स है, जब आप इसको लाइट को रूम के ऑफ कर देंगे तो इनमें ये ग्लो करेंगे और इनको आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कहीं कोई पैच बन गया है तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से फिट कर सकते हैं ताकि आपका पैच बंद हो जाए और बुझा सकते हैं पैच को। और इसका बेनिफिट क्या होगा, जैसे अभी मैंने हल्कस लगाया आपको देखा नहीं रहा होगा चाहे, हो सकता है वीडियो में, बट इससे क्या होगा मॉस्किटोस वगैरह जो है मच्छर वगैरह है वो अंदर कीड़े मकोड़े जा नहीं पाएंगे और आपकी मॉस्किटो प्रोटेक्टेड रहेगी, आपको बचा के रखेगी। तो इस तरह से अब चलिए अंदर चलते हैं और अंदर से देखते हैं जो आपको मैंने हाइट वगैरह वाला फैक्टर बताया था वो कितना कामयाब है। तो मैं मॉस्किटो नेट के अंदर आ चुका हूँ, तो आपको जैसे मैंने बताया था हाइट वाइज आप देख सकते हैं एनएफ हाइट है। अगर इसमें मैं थोड़ा खड़ा होकर ही दिखाऊँ आपको तो तब भी मेरे हेड से टच ये नहीं कर रही है, तो एनएफ हाइट आपको मिल जाती है और आप देखेंगे प्रॉपरली कवर्ड है। और इसके बेड के अंदर अगर आप 3 या 4 लोग सोते हैं डबल बेड के अंदर तो सबको ये प्रोटेक्टेड रखेगी। एक चीज आपको अगेन ध्यान रखने वाली है कि आप इसको छेड़े ना, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो नेट की क्वालिटी है वो कोई हाई क्लास नहीं है, तो फटने के चांसेस बने रहेंगे। अगर कोई ब्लेड या पैर या कोई चीज पकड़ के खींचता है तो फटने के चांसेस बने रहेंगे। तो इस तरीके से क्वालिटी है और आपको मैं एक बार देख के भी दिखाऊं तो आप देख पाएंगे प्रॉपरली मैं सो पा रहा हूं और कहीं से भी मेरे हाथ वगैरह मॉस्किटो नेट से टच नहीं कर रहे हैं। तो ये बेनिफिट है इस मॉस्किटो नेट का। बाकी जो पुराने मॉस्किटो नेट आते थे आपने देखा होगा उनमें आपको दीवार में होल करके रस्सियों के थ्रू या थ्रेड्स के थ्रू बांधना पड़ता था, बट इस मॉस्किटो नेट में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको फटाक से जल्दी से सेटअप कर सकते हैं और रात को मच्छरों से बच के आराम से सो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसको फोल्ड करके बंद कैसे करना होता है, जो सबके मन में डाउट रहता है कि आपने इसको ओपन तो कर दिया मगर बंद करने का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप किसी भी कॉर्नर को फोल्ड कर लीजिए और उससे पहले जो भी आपने इलास्टिक को फिट किया था आपके मैट्रेस के साथ उसको निकाल लीजिए। और इसके बाद आपको एक फोल्ड देना है ये इस तरीके से अंदर जाने का। तो जैसे भी अंदर जाएगा तो आप देखेंगे इस तरीके से अपने आप फोल्ड इजिली होंगे और उसको आप डाउन कर दीजिए। और उसके बाद आपको करना क्या है, अगर आप यहाँ पे लाइन देख पा रहे हो आप इस पे एक ट्विस्ट कीजिए, तो आप जैसे भी ट्विस्ट देंगे तो एक छोटा सर्कल ट्विस्ट देते ही बन जाएगा आपका। अगर आप इस तरीके से देख पाए एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल, बड़े सर्कल को नीचे से पकड़िए और ऊपर से ऊपर पड़िए और अगेन एक ट्विस्ट दीजिए। तो जैसे ही मैं ट्विस्ट दूंगा तो फिर से 3 सर्कल बन जाएंगे और 1, 2 और 3 और इसको रख दीजिए। जैसे आप रखेंगे अपने आप एडजस्ट होके ये तीनों बंद हो जाएंगे और इसको बैग लीजिए और अगेन अगली रात के लिए इसको बैग में डाल दीजिए ताकि आपका नेट खराब ना हो। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से फोल्ड कर पाएंगे वो भी 1 से 2 मिनट के अंदर। तो लीजिए आपकी ये बंद हो चुकी मॉस्किटो नेट इस बैग के अंदर जिसको आप अगले दिन यूज कर सकते हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके सवाल कर सकते हैं, उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।